अपने जीवन काल में जिस मिट्टी में हम जन्मे इस मिट्टी का कर्ज अदा करें। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करते ही प्रशांत किशोर यानी पीके विवादों में फंस गए हैं। पार्टी के लॉन्चिंग पर पीके ने ऐलान किया कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो शराबबंदी खत्म करेंगे और आने वाले पैसों को नेताओं की सुरक्षा में नहीं बल्कि एजुकेशन में लगाएंगे। सबसे पहले पीके का वो बयान सुनिए। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विदेश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे, ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी को खत्म करने के ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर अब विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को प्रशांत किशोर ने एक कर दिया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती था, जो हमारे महापुरुष हैं, बापू उनको कहा जाता है, पूरे देश दुनिया में हमारे इनका पूरा सब लोग जानता है इनके बारे में। उस दिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा साफ है कि उनके विरोधी हैं वो। एक तरफ कह रहे हैं कि हम शराब पिलाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस पैसा से शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। हमारा सीधा कहना है कि अगर जो घर में शराबी होगा, जिसका बाप शराबी होगा, उसका बेटा कैसे पढ़ सकता है? घर में अमन चैन रहेगा नहीं। Z News.